रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स द्वारा भारत डायनामिक्स लिमिटेड को अस्त्र मार्क 1 मिसाइल्स की फुल स्केल प्रोडक्शन की क्लीयरेंस दी गई है, जिसमें BDL एयरफोर्स के लिए 200 मिसाइल्स प्रोड्यूस करेगा। ये क्लीयरेंस एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित द्वारा दी गई, जब उन्होंने भारत डायनामिक्स की हैदराबाद यूनिट में विजिट किया था। अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी डेवलपमेंट DRDO की लैब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी द्वारा की गई है। अस्त्र मार्क 1 की रेंज की बात करें तो 100 प्लस किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज और फ्लाइट सीलिंग 20 किलोमीटर्स की है, और ये 4.5 मैक की स्पीड पर ट्रैवल कर सकती है, यानी साउंड की स्पीड से 4.5 गुना ज़्यादा की स्पीड, और साथ ही ये 15 kg के हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड को कैरी करने में भी कैपेबल है। बट मिसाइल की मैक्सिमम रेंज इसके लॉन्चिंग एल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है। जैसे अगर अस्त्र मिसाइल को 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जाता है तो ही ये मैक्सिमम रेंज अचीव कर सकती है, दैट इज 100+ किलोमीटर्स, और अगर इसको 8 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से फायर किया जाता है तो इसकी रेंज ड्रॉप होकर 50 किलोमीटर तक आ जाएगी, और अगर इसको सी लेवल से लॉन्च किया जाता है तो इसकी रेंज फर्दर रिड्यूस होकर 20 किलोमीटर ही रह जाएगी। अस्त्र की डेवलपमेंट की बात करें तो प्री फिजिबिलिटी स्टडी के बाद इसका प्रिलिमिनरी वर्क 1990 तक स्टार्ट हो चुका था। 1998 में फर्स्ट टाइम मिसाइल को एरो इंडिया में रिवील किया गया था। 2004 में इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए अराउंड 1000 करोड़ की सैंक्शनिंग दी गई, बट कुछ कंट्रोल इश्यूज और परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज की वजह से मिसाइल को 2006 में रीडिज़ाइंड किया गया, जिसमें कंट्रोल गाइडेंस और प्रोपल्शन सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई। 2009 से 2013 के बीच मिसाइल के सुखोई 30 पर कैरीज ट्रायल्स किए गए, और 2014 में इसको फर्स्ट टाइम एयर से लॉन्च किया गया था। बाद में मल्टीपल टेस्ट्स के बाद 2017 में अस्त्र मार्क 1 की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन की क्लीयरेंस दी गई, जिसमें अराउंड 50 मिसाइल्स का ऑर्डर भारत डायनामिक्स को दिया गया। 2020 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए टोटल 248 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल्स की एक्विजिशन की अप्रूवल दी गई, जिसमें से 200 मिसाइल्स एयरफोर्स और 48 मिसाइल्स नेवी के MiG-29 के फाइटर जेट्स के लिए थी। इसके बाद 2022 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत डायनामिक्स के साथ अस्त्र मिसाइल्स के लिए करीब 2900 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बट उसमें मिसाइल्स के नंबर्स को स्पेसिफाई नहीं किया गया था। और अभी इस डेवलपमेंट में इंडियन एयरफोर्स द्वारा मिसाइल के लिए फुल रेट प्रोडक्शन क्लीयरेंस दी जा चुकी है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की सिंगल यूनिट की कॉस्ट अराउंड 7 से 8 करोड़ के बीच बताई जा रही है। अस्त्र के लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मिसाइल्स को सुखोईज में ऑलरेडी इंटीग्रेट किया जा चुका है, बट सुखोई 30s के साथ ही इनको LCA तेजस, MiG-29 के, MiG-29 UPG और इंडिया के फ्यूचर फाइटर जेट्स तेजस मार्क 2 और एमका में भी यूज़ करने के प्लान्स हैं। लास्ट ईयर अगस्त में अस्त्र मार्क 1 को LCA तेजस से सक्सेसफुली फायर किया गया था, बट पॉसिबली उन फाइटर जेट्स में अस्त्र के एडवांस्ड वेरिएंट्स, दैट इज मार्क 2 और मार्क 3 का यूज़ किया जा सकता है, जो अभी ट्रायल्स फेज में है। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की रेंज 150+ किलोमीटर्स बताई जा रही है, और अस्त्र मार्क 3 मिसाइल की 300+ किलोमीटर्स की रेंज की रिपोर्ट्स हैं। बट जैसे हमने बात की कि दोनों वेरिएंट अभी ट्रायल्स फेज में हैं, जिसमें मार्क 3 अभी इनिशियल फ्लाइट टेस्टिंग प्रोसेस में है। अस्त्र मिसाइल्स सुखोई 30s में यूज़ की गई रशियन ओरिजिन एयर टू एयर मिसाइल्स को रिप्लेस करेंगी।